इस ब्लॉग में। और आज है नवरात्रि का पंचम दिन, यानी कि पांचवा नवरात्र है। आज माता स्कंद की पूजा होती है आज के दिन। और गाइस, सो गाइस, नवरात्रि है और माता रानी के सिर्फ 9 दिन ही हमें मिलते हैं। हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, सो ये 9 दिन हम उनका पूजन तो कर पाए। प्राथमिकता हमेशा माता रानी को रखनी चाहिए, वही प्राथमिक होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग नहीं शूट कर पाए ब्लॉग, आई एम सॉरी। लेकिन यही है कि आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से माता रानी का पूजन किया और किस तरह से हमारा नवरात्रि का पांचवा दिन हुआ पूर्ण। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको मंगल करें। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। सो गाइस, पूजा करने के बाद प्रियंका को मंदिर जाना था, तो वो मंदिर गई माता रानी के दर्शन करने के लिए। उधर ही से वो फूल लेकर आई थी ताकि दूसरे दिन के लिए माता रानी की वो माला बनाकर तैयार कर ले और पूजा के लिए हमें और भी सब कुछ इजी रहे, अवेलेबल रहे हमारे पास। सो प्रियंका इस वक्त माता रानी की माला बना रही है और बहुत सुंदर माला बनाती है वैसे प्रियंका। देखिए इसमें पत्ते लगा के अशोक के, सो बहुत प्यारी माला देखिए बनकर तैयार है। और उधर माता रानी को भोग भी लगा दिया है और जब माता रानी को भोग लग जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर रुकना चाहिए भोग लगाने के बाद, उसके बाद हम लोग माता रानी का प्रसाद ग्रहण करेंगे और वही हम बस सुबह खाएंगे और सारा दिन फिर कुछ नहीं खाना होता। सो जो रह गए थे वो आकर भी माता रानी का पूजन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। वैसे तो हम सब लोग साथ में ही माता रानी का पूजन करते हैं, लेकिन जितनी बार भी कोई अंदर आता है या कोई बाहर जाता है तो वो उनको प्रणाम करके ही जाता है, उनसे आगे लेकर ही जाता है। जब माता रानी को भोग लग गया है और अब हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे, और मैंने प्रसाद में ये मखाने और मूंगफली फ्राई करी है और यही मैं सबको दे रही हूँ। और साथ में मैंने बनाई है चाय, जो नॉर्मली शक्कर की बनती है, चीनी की बनती है, वही चाय हमने बनाई है। और उसको भी जिसको जिसको पीना है वो पिएगा, लेकिन नवरात्रि में स्पेशली हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम चीनी मिट्टी के मीन्स सिरेमिक जो बर्तन होते हैं ना, उसमें हमें नहीं पीना चाहिए, वो यूटेंसिल्स नहीं यूज़ करने चाहिए। अगर आपका कोई भी व्रत है, सारा दिन ऐसे करते हुए हमें बच गया 3:30 और बाकी समय हम लोगों ने श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा देखी और फिर शाम हो गई। गाइस, शाम को हम किचन में गए, देखा था बंदर हमारी किचन की विंडो के सामने से जा रहा था, तो मैं ऊपर गई, मैंने कहा प्रियंका को बता दूँ, थोड़ा इन्फॉर्म कर दूँ, लेकिन प्रियंका को पता था, वो पेड़ लगा रही थी ऊपर। सो बंदर ऊपर आया ही नहीं हम लोगों की खिड़की के सामने से गुजर गया, वो छत के ऊपर नहीं गया, इसलिए प्रियंका को कुछ डर भी नहीं लगा। मम्मी भी पास में वहाँ पर बैठी थी, तो जब मैं ऊपर गई देखने के लिए कि वो क्या कर रही है, तो देखा बहुत सारे पेड़ थे, एक कुछ लगा चुकी थी और कुछ बचे थे। तो रात होने से पहले ही उसने सोचा कि सारे पेड़ों को लगा देते हैं, क्योंकि एक दिन पहले वो लाई थी और लगा नहीं पाई थी प्लांट्स। कल मार्केट गए थे तो वहाँ से लेके आए, तो बहुत सुंदर सुंदर फूल लग रहे थे, अच्छा वही मैंने कल पूछा नहीं, मैं भूल गई थी पूछना। और आप ये वॉइस कितनी अच्छी लग रही है ना, आई थिंक कोयल की है, बहुत सुंदर लगती है। सो देखिए शाम को ही बोलती है ज़्यादातर कोयल, बहुत अच्छी सी वॉइस लगती है मुझे। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, प्रेरणा कर रही है पूजा की तैयारियाँ और हम लोग भी उसकी हेल्प करते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। और नीचे बज रहे हैं भजन, सो नीचे का वातावरण काफी दिव्य है। सो
आ गए हैं नीचे की माता जी और प्रेरणा कर रही है यहाँ पर तैयारी शाम के पूजा की। और प्रियंका ऊपर लगा रही है पेड़। जय माता दी आप सभी। जय माता दी। तो मैं यहाँ पे मैंने तीन जो है वहाँ पे ओम और जो स्वास्तिक होता है वो बनाया है और श्री श्री बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि उन्होंने अभी पहले लिखा है ओम फिर स्वास्तिक और उसके बाद श्री। सो देखिए गाइस ओम लिख दिया है इन्होंने और स्वास्तिक भी बन गया है, बस श्री बनाना बाकी है, वो भी बन जाएगा बहुत ही जल्दी क्योंकि शाम हो गई है, सूर्यास्त हो गया है और हमें शाम का पूजन भी करना है। और ये देखिए श्री भी बन गया है और देखिए ओम स्वास्तिक और श्री ये तीनों ही शुभ चिन्ह जो चौकी पर बनाए गए हैं। और इसके बाद हमने संध्या पूजन किया कि प्रियंका लोग आ गई हैं। चलिए हम लोग चलते हैं बाहर। जय माता दी। तो प्रियंका लोग गई थी मंदिर बाहर सामान वामान लेकर आई हैं, कुछ लेकर आया था तो ये लोग आ गई हैं। तो गाइस देखिए आ गए हैं सामान, इसमें है टमाटर और मिर्ची बना दी। हाय गाइस। जय माता दी। जय माता दी। नो हाय ओनली जय माता दी। अब हम लोग बस चलिए चलते हैं किचन में और अब हम लोग थोड़ा सा कुछ जो व्रत में खाने के लिए मंगाएंगे। देखिए इतने छोटे छोटे से टमाटर लेके आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अब हम लोग बनाएंगे आज व्रत में साबूदाने की खिचड़ी और उसी का भोग लगाएंगे माता रानी को भी और बाबू लड्डू को भी और फिर उसके बाद वही हम लोग भी। चलिए मैं कैमरे गाइस अभी है मेरे हाथ में कैमरा और हम लोग चलते हैं किचन में। सो यहाँ पर बन रहा है साबूदाने की खिचड़ी का भोग। और साथ में बन रही है चाय जो पापा के लिए बन रही है, उनका पीने का मन था तो हम लोग ने कहा हम लोग भी थोड़ी थोड़ी चाय पी लेंगे तो सबके लिए ही चाय बन रही है। गाइस अभी बना रही हैं साबूदाने की खिचड़ी और अभी हम लोग चलते हैं अंदर और अभी बनेगी चाय क्योंकि सबका चाय भी पीने का मन हो गया है। तो हम लोग चलते हैं अंदर और इनको बनाने देते हैं किचन में खिचड़ी और यहाँ पे हम लोग आके अंदर आराम से साबूदाने की खिचड़ी का वेट करें। जय माता दी। तो इस समय वर्षा दीदी जो है वो हम लोग के लिए खिचड़ी निकाल रही है, व्रत का जो खाना है ये देखिए। तो अब खाना बन चुका है और एक और चीज़ आपको मुझे बतानी थी। व्रत का जो बनता है वो खाना नहीं होता, व्रत का जो बनता है वो भोग होता है, वो प्रसाद होता है। हाँ वही सॉरी प्रसाद। तो प्रसाद बन के जो है वो तैयार हो चुका है, अब माता जी को भोग लगेगा उसके बाद ही हम लोग ग्रहण करेंगे। तो आप सबको मुझे एक और चीज़ बतानी थी और वो ये है
कि आपने अगर हमारे प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा, ये कह रहे थे कि माता रानी हम लोग को एक ढोलक चाहिए और प्लीज माता रानी कैसे भी इंतजाम कर दीजिएगा। नहीं, हम लोग ने ये कहा था एग्जैक्ट, हम लोगों के वर्डिंग्स थे उसमें प्री नवरात्रि में कि हम लोग के पास ढोलक नहीं है, क्योंकि हम लोग अंदर का सिंगर निकलता है नवरात्रि में, ये वाली बात ही ना। हाँ। हमने कहा था पास देखिए ढोलक नहीं है तो देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए हमारे घर अपनी ढोलक आ गई है, माता रानी ने हमें ढोलक गिफ्ट की है। ऐसे दुर्गा कवचम में आता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, यानी कि जो लोग माता रानी की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो जैसा जैसा सोचते हैं वैसे वैसे चीजें सच होती जाती हैं। और ये चीज हम लोगों का अनुभव रहा है ना। हाँ, ये देखिए अनुभव आप भी देख सकते हैं कि मैंने यही कलर सोचा था और ऐसी सोची थी ढोलक, और वैसी ही ढोलक हमारे पास माता रानी ने भेजी। और एक और बात ये कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने एग्जैक्टली वही कलर सोचा था जो माता रानी का लहंगा था, और वही कलर इन लोग लेकर आई थी। और हम लोगों ने फिर माता रानी के दरबार में देखा, माता रानी के दर्शन देखे, उसमें भी माता रानी ने सेम यही वाले कलर का लहंगा सॉरी चोला पहन रखा था माता रानी। तो मैम मेरी नज़र पड़ी एक जगह से, माता रानी ने यही क्लिक करवाया कि देखो मैंने वही वाला कलर पहन रखा है, घर में पहना हुआ है। हाँ, जो घर में पहना हुआ था वही वाला। तो ये चीज़ है कि मैं हमेशा से कहती हूँ जब भी हम मैं कुछ सोचती ना वो रियल लाइफ में उतर के आता है, तो मैं ऐसे कहती हूँ वो क्या था वो मंत्र यम यम चिंतम दो, उसको पूरा करती है ये। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि आप जो जो सोचेंगे माता रानी की शक्ति है, देखिए कि आप जो सोचेंगे ना वो माता रानी की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा, वो वास्तविकता बन जाएगी आपकी, ये माता रानी की शक्ति। इसीलिए अच्छा सोचें, अच्छा सोचें और हमेशा माता रानी के चरणों में लगे रहें, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ आपको दे देंगे। उन्होंने बताया आपको क्या चाहिए। जय माता दी। जय माता, माता रानी आप सबका मंगल करें, आप सबका कल्याण करें। जय माता दी। जय माता दी। सच्चे दरबार की जय। जय।